बहुत सारे पेरेंट्स की ये इश्यूज हैं, हमारा बच्चा या तो बाइट बहुत ज़्यादा करता है, उसको हर समय कुछ ना कुछ हार्ड चीज़ उसको दांतों के नीचे चाहिए, ठीक है, या फिर उसको हार्ड खाना पसंद है जो चबा चबा कर खाएं, क्रंची सा खाना। अगर मैं उसको फ्रूट्स दे देती हूँ तो वो उसको पसंद ही नहीं है, उसका टेक्स्चर ही नहीं अच्छा लगता उस, क्योंकि उसके जॉज पे प्रेशर नहीं आ रहा तो वो उसको अच्छा नहीं लगता। और कुछ पेरेंट्स का ये इशू रहता है कि हमारा बच्चा जो है हार्ड चीज़ें ही नहीं खाना चाहता, मैं उसको रोटी भी देती हूँ तो रोटी भी नहीं चबाता है और वो थूक देता है, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, हर चीज़ उसको ग्राइंड करके और लिक्विड सेमी सॉलिड फॉर्म में देना पड़ता है, सो दैट वो सिर्फ सीधा स्वॉलो कर लेते हैं, दे डोंट च्यू फूड, वो चबाते ही नहीं है फूड। दोनों केसेस हैं बट उनका सॉल्यूशन सेम रहेगा, ठीक है। तो वन इज़ कि वो हार्ड फूड खाना चाहते हैं, द सेकेंड टाइप ऑफ चिल्ड्रन जो बिल्कुल भी नहीं चबाना चाहते, च्यू ही नहीं करना चाहते और सीधा स्वॉलो कर लेते हैं। एक और प्रॉब्लम आती है बच्चों के साथ कई पेरेंट्स को कि वो बहुत ज़्यादा माउथिंग और बाइटिंग करते हैं, दे बाइट अ लॉट, मतलब दूसरों को खाते हैं, अपने आप को खाते हैं, और या फिर बाइट अगर बंदों को नहीं खा रहे हैं तो व्हाट विल हैपन, जो भी चीज़ आगे पड़ी है उसको चबाए जा रहे हैं और उसको एकदम ख़राब कर देते हैं। तो ये सारे इश्यूज़ रहते हैं और इनका सॉल्यूशन एक ही है, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। हाय, मेरा नाम ऋचा जैन है, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। इफ़ यू आर गेटिंग इन्फॉर्मेशन वेल सेड, मतलब अच्छा सा लग रहा है आपको एंड यू आर लाइकिंग माय वीडियोस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो आज हम बात करेंगे च्यूइंग, बाइटिंग, माउथिंग, कि बच्चे का ये सारे इश्यूज आ रहे हैं, बच्चा काट रहा है, बाइट कर रहा है और माउथिंग ज़्यादा है या फिर वो खाना ही नहीं खा रहा है, तो उनका क्या रहता है। देखिए, दीज आर सेंसरी इश्यूज। सेंसरी इश्यूज क्या हैं कि बच्चे को या तो बाइट करते हैं, आप ध्यान से सुनिए, बाइट करते हैं तो क्या होता है, प्रेशर मिलता है। प्रेशर मिलता है कहाँ मिलता है, टीथ पे, जॉज पे प्रेशर आता है। तो वो सेंसरी में क्या है, या तो वो उधर बहुत ज़्यादा प्रेशर चाहते हैं, दे वांट दैट प्रेशर, तो इसीलिए वो बाइट करते हैं, च्यू करते हैं, माउथिंग करते हैं, सॉलिड फूड खाना पसंद करते हैं, गिलगिला सा फूड या सेमी सॉलिड नहीं खाना पसंद करते। या फिर उनको अवॉइडेंस बिहेवियर है कि उनको वो इनपुट नहीं चाहिए, उनको वो प्रेशर नहीं देना है अपने जॉज पे, अपने टीथ्स पे, अपने गम्स पे, वो जोर नहीं लगाना चाहते हैं। तो व्हाट विल हैपन कि वो सीधा चबाएंगे नहीं, सीधा स्वॉलो कर लेंगे या फिर खाना पीस पीस के देना उनको पड़ेगा। तो ये सारा क्यों हो रहा है, सेंसरी इश्यूज। देखिए, आप बच्चे पे गुस्सा मत हो, आप इरिटेट मत होइए, आप पहले उसकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कीजिए। बच्चा आपसे ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसको भी नहीं समझ में आ रहा कि क्यों हो रहा है ऐसा मेरे साथ। और जब ऐसा हो रहा है तो बच्चा सोचे कितना टेंशन में है, ऊपर से आप इरिटेट हो जाते हैं, आप बोलते हैं क्या है, तुम खाना नहीं खा सकते हो, मतलब आप उसको सॉल्यूशन की तरफ जाइए, आप उसका प्रॉब्लम देखिए, अंडरस्टैंड कीजिए और उसका सॉल्यूशन कीजिए। अगर आप सिर्फ इरिटेट होंगे या फिर उसको डांटेंगे कि तुम हर समय बाइट करते रहते हो, क्या है, गंदा लगता है, क्यों बाइट किया, इसको क्यों ख़राब कर दिया, ये क्यों तुमने चबा चबा के गंदा कर दिया, ख़राब कर दिया, किसी के घर जाते हैं बड़ा, मतलब वो हेल्प आउट नहीं कर पाते हैं, दीज आर सेंसरी नीड्स। तो वो सेंसरी नीड्स की वजह से, क्योंकि वो खुद इतने ट्रॉमा में है, स्ट्रेस में है, एंग्जाइटी में है कि उनको इसका रिक्वायरमेंट है, तो वो बाहर से ले रहे हैं ये इनपुट। उसकी बजाय अगर आप उन्हें वो इनपुट प्रोप्रियोसेप्टिव, दिस इज प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट, अगर आप उन्हें बाहर से प्रोवाइड करा देंगे तो वो ये सारा बाहर की चीज़ों से नहीं लेंगे, आप देंगे तो क्या होगा, वो बाइट नहीं करेंगे, चीज़ों को नहीं खाएंगे, या फिर जो वो प्रेशर नहीं लेना चाह रहे और सेमी सॉलिड फूड पे हैं तो वो सॉलिड फूड खाना शुरू करेंगे। तो हमें उनको वो इनपुट देना है, ठीक है, पहले बच्चे का नीड समझना है, गुस्सा नहीं होना है, वो सेंसरी इनपुट हमें प्रोवाइड कराना है ताकि वो सारे इश्यूज उसके सॉल्व आउट हो पाए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि मेरा बच्चा ये सारे बिहेवियर्स क्यों कर रहा है या क्या इश्यूज हैं। तो आप देखते हैं हमें क्या क्या एक्टिविटीज़ उसके लिए करना होगा। सबसे पहले हमें बच्चे को ओरल मोटर मसाज देना है, इस तरह से कोई भी आप क्रीम लगाइए, ऑयल लगाइए और उसके बाद सर्कुलर मोशन में एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज
हल्का हल्का प्रेशर देते हुए चीक्स पे हमें मसाज करना है। सो दिस इज़ नंबर वन एक्टिविटी। सेकेंड, क्योंकि बच्चे को यहाँ पर प्रेशर चाहिए तो हमें हल्के हल्के हाथों से लिप्स के ऊपर और नीचे प्रेशर देना है, मसाज देना है, वो प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट देना है। नेक्स्ट एक्टिविटी जॉ लाइन पे, कि बच्चे को वहाँ पर हल्का हल्का प्रेशर पिंचिंग में वे में हल्का हल्का देना है ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ मसाज देना है। तो ये आउटर वे में हम उनको प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट दे रहे हैं, अगर प्रेशर लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है, दोनों केसेस में। नेक्स्ट एक्टिविटी, आपने टूथब्रश लेना है, टूथब्रश की मदद से आपने हल्का हल्का प्रेशर उसके टीथ्स पे देना है, गम्स पे देना है, ताकि उसको वो इनपुट मिले और उसकी वो नीड को हम लोग फुलफ़िल कर पाएँ। या फिर बच्चा च्यू नहीं कर रहा है, प्रेशर नहीं लेना चाह रहा है, तो हल्का हल्का प्रेशर लेना स्टार्ट करें। नेक्स्ट एक्टिविटी, हमें गम्स और टीथ पे मसाज करना है, तो मैंने थंब से उसकी स्किन को उसकी टीथ के बीच में ले लिया ताकि वो मुझे बाइट ना करे और मैं ईजिली उसको गम्स पे प्रेशर दे पाऊँ और टीथ्स पे मसाज कर पाऊँ। ये बहुत अच्छी प्रोप्रियोसेप्टिव एक्टिविटी रहती है। हम ये सारी ओरल मोटर एक्टिविटीज़ करते हैं जब बच्चे को च्यूइंग, बाइटिंग और माउथिंग के इश्यूज़ रहते हैं। तो जब हम ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं तो बच्चे की जो खाना खाने की हैबिट्स हैं, कि बच्चा मेरा खाना नहीं खा रहा है या एक पर्टिकुलर टाइप का खाना नहीं खा रहा है, सिर्फ सॉलिड खा रहा है या सेमी सॉलिड खा रहा है, तो वो सारे इश्यूज़ भी इससे सॉल्व आउट होते हैं। एक और चीज़ है कि इसमें मैंने सिंपल टूथब्रश यूज़ किया है, आप वाइब्रेटर टूथब्रश भी ले सकते हैं, वाइब्रेटर टूथब्रश से गम्स पे आप मसाज कर सकते हैं, बाहर यहाँ पर मसाज दे सकते हैं, बट मैंने कभी यूज़ नहीं किया। अगर आपका बच्चा वाइब्रेटर मसाजर से कंफर्टेबल नहीं है या उसके इश्यूज़ कम हैं, तो आप सिंपल टूथब्रश से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं तो यू शुड गो फॉर अ वाइब्रेटर टूथब्रश और उससे अच्छे से मसाज दीजिए, तो वो बहुत हेल्प आउट करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि मुझे करना कितनी बार है। देखिए, दिन में मिनिमम 2 बार करना है अगर बच्चे के इश्यूज़ कम हैं, लेकिन अब सपोज़ कीजिए बच्चा बाहर गया और उसने बाइट किया है किसी को, तो अब वो उसका सेंसरी नीड है, आपने घर से कराकर उसको आप ओरल मोटर एक्सरसाइज लेके आए हो, अब उसने बाइट किया है, उसको फिर से नीड है उस इनपुट की, तो यू हैव टू स्टॉप हिम एंड जस्ट गिव हिम अ दिस मसाज 10 एंड से हाई फाइव, ये तो समथिंग लाइक दिस। देखिए, शुरू में ऑकवर्ड लगेगा कि यार मैं कहीं पे भी जा रही हूँ और मुझे ये चीज़ करनी पड़ रही है, लेकिन आप ये भी तो देखिए ना, वो किसी को बाइट नहीं करेगा, खुद को बाइट नहीं करेगा, माउथिंग कम हो जाएगी। जब आप ये रिपीटेडली प्रोसेस 1 मंथ तक करेंगे तो वो उसकी सेंसरी नीड्स काम डाउन हो जाएगी एंड वो धीरे 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 करना छोड़ देगा। और एक और चीज़ है, जब भी हम लोग करते हैं उसको स्कोल्ड नहीं करना है, डांटना नहीं है इन बिहेवियर्स के लिए, आपने सिंपली उसको बोलना है कृष्णा लेट्स डू इट, या फिर चलो, मतलब कुछ भी आप एक्साइटिंग वे में, या फिर कोई भी अपना पैटर्न जो आपका बिहेवियर आपका नेचर है उसके अकॉर्डिंग आप खुद मोल्ड आउट कीजिए एंड जस्ट डू दिस, टेक हिम, टेक द किड एंड डू दिस, ताकि उसको वो आपने इनपुट वहीं दे दिया तो वो जो उसके बिहेवियर्स हैं उसमें नहीं जाएगा और उसको वो सेंसरी नीड फुलफिल हो जाएगी। तो इस तरह से जब हम रेगुलरली बच्चों के साथ ये एक्टिविटीज़ करते हैं, ओरल मोटर एक्टिविटीज़, तो बच्चों में डिफरेंस आना शुरू होता है। तो देखिए, दिन में मिनिमम 2 बार करना है, अगर इश्यूज़ ज़्यादा हैं तो जब भी वो बिहेवियर्स आ रहे हैं आपने मसाजेस देनी है। और हार्डली इसमें कितना टाइम लगेगा, 30 सेकेंड, मतलब 30 सेकेंड, बट उससे बिलीव मी विद इन अ मंथ, 2 मंथ 3 मंथ, अगर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं तो 6 मंथ्स भी लग सकते हैं, बट बच्चे में फ़र्क आना शुरू होगा। तो कीप डूइंग दीज एक्टिविटीज़ एंड यू विल रीप बेनिफिट, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।